हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास एक एसस का लैपटॉप है और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जब भी हम इसको ऑन कर रहे हैं तो यह बायो सेटिंग में हमें ले जा रहा है और हमारा विंडोजन डला हुआ था वो ओपन नहीं हो रहा है तो आज के वीडियो एक सल्यूसन वीडियो होने वाला है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन सो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर जो है ऑन करना है ऑन करते ही आपका जो लैपटॉप है वो बायोस सेटिंग में चला जाएगा उसके बाद आपको सिक्योरिटी टैब में जाना है तो सिक्योरिटी टैब में जाने के लिए आप एरो की की मदद से जा सकते हैं आप राइट right एरो को प्रेस करेंगे तो फाइनली आप जब सिक्योरिटी टैब में आ जाएँ तो आपको डाउन की को प्रेस करते हुए इस पेज को स्क्रॉल करना है तो जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योर बूट मेनू का एक सेक्शन दिखेगा आपको इस पर अपना जो कर्सर है डाउन एरो की की मतलब मदद से ले जाना है और इंटर प्रेस करना है आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी और उसमें दो ऑप्शन होंगे इनेबल और डिसेबल का आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है उसके बाद आप लेफ़्ट की को प्रेस करेंगे और चले जाएंगे बूट वाले सेक्शन में बूट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा लॉन्च सी एस एम आपको डाउन की की मदद से इस पर आपको अपना कर्सर ले जाना है और इंटर प्रेस करना है आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे दोबारा से आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी यहाँ पर लिखा होगा इनेबल और डिसेबल तो आपको इसको इनेबल कर देना है तो इतना करने के बाद आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F10 को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि यह सेटिंग सेव हो जाएगी और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा या आप एग्जिट में जाकर इसको एग्जिट कर दीजिए तो इस तरह आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम